अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये दही फुलके हैं फ्राई हुई भी, जिसे मैंने जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लिया था, तो आज मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ कढ़ी, और ये देखिए यहाँ पे कढ़ी का जो ये रेडी है बिल्कुल कढ़ी, और बस इसमें हमें फुलके डालनी है। और फुलके मेरे पास पहले से ही फ्राई होकर रखी हुई थी, तो ये इसको हमें किस तरह करेंगे, हम गर्म ये में बहुत तेज़ गर्म पानी है, ये देखिए भाप उठती हुई नज़र आ रही होगी, इसमें हम इसको डिप करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, तो ये वापस से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा स्क्वीज करके हम कढ़ी में डाल देंगे। देखिए बिल्कुल फ्रीज हुई हुई जमी हुई है, अब इस गर्म पानी में हम डाल के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, तो ये वापस से ही वैसी फ्रेश हो जाएंगी, और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो दही बड़ों में यूज़ कर लीजिए, चाहे कढ़ी में या सालन में, जिसमें भी आप डालना चाहें वही डाल सकते हैं। तो रेडी है ये, रेडी टू यूज़ हो जाएंगे 10 मिनट बाद। देखिए दोस्तों मैंने सब इसमें डिप कर दी हैं, और छोड़ दूंगी इसे मैं, ढक दीजिएगा, और इसे मुश्किल से 5 से 7 मिनट देख लीजिएगा, अगर सॉफ्ट हो गई हैं तो स्क्वीज करके आप निकाल सकते हैं, तो इसको हमें ढक कर छोड़ना है। दोस्तों देखिए मैंने सारे स्क्वीज करके हल्का हल्का बस दबाना है, ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है। ये मैंने सब निकाले हैं, और ये देखिए बिल्कुल रेडी है कढ़ी, इसमें पकौड़ी डाल दूंगी और थोड़ा सा बगार लगाऊंगी, हरा धनिया पुदीना डालूंगी, और रेडी है हमारी झटपट बनने वाली। और ये देखिए फ्रोजन पकौड़ियों से कढ़ी। तो ये हमने बनाया है फ्रोज़न बनाना और स्ट्रॉबेरी से, जो कि मैंने फ्रीज़ कर लिए थे 2-4 दिन पहले। तो झटपट से हमने शेक बना लिए, बच्चों की फरमाइश हुई, हमने फ्रीज़र से सामान निकाला और झटपट से इनको शेक बनाकर दे दिया। तो इसी तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं कोई भी फ्रूट हो, यानी कि बनाना अगर स्ट्रॉबेरीज बच्चे में है तो उन्हें ज़ाया ना करें, आप फ्रीज़ करके रख लीजिए, और जब भी आपके बच्चों का या आपका दिल करे इस तरह का कुछ ठंडा ठंडा पीने का, तो आप जल्दी से दूध निकालिए और फ्रोज़न चीज़ें निकाल के कट करके शुगर डाल के ये झटपट बना सकते हैं। विद इन 2 या 3 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है, और आप इन्जॉय कर सकते हैं इन रमज़ानों में। लुक वाइज भी कितना मज़े का लग रहा है ये। फ्रेंड्स आज मैं तैयारी कर रही हूँ, ये देखिए अरबिक स्टाइल में सीख कबाब बनाने की, ये अरबिक के सीख कबाब हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगी इसकी रेसिपी। तो जस्ट मैं अब इस तरह की, देखिए मेरे पास रॉड है प्लास्टिक की, इसमें मैं शेप बना के फ्रीज, पहले तो मैं ट्रे में डाल के थोड़े से ग्रीस करके ट्रे पर रख कर इसे फ्रीज कर लूँगी, और जब ये सीख कबाब फ्रीज हो जाएंगे तो इन्हें जिप लॉक बैग में डाल के, इस तरह के जो जिप लॉक बैग आते हैं उस तरह मैं फ्रीज कर लूँगी। अब इसे मैं करूँगी फ्रीज, और फिर मैं आपको बता दूँगी आगे किस तरह इसे यूज़ करते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर मैंने बना लिए हैं, आधे तो मैंने सीख कबाब बना लिए हैं और आधे के बना लिए हैं कोफ्ते। सबको मैंने फ्रीज़ कर लिया है, सीख कबाब को मैंने देखिए फ्रीज़ कर लिया, तो ये किस तरह हार्ड हो गए हैं। और इन्हें मैंने जिप लॉक बैग में डाल के पैक करके दोबारा फ्रीज़ कर दिया है, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी पहले इन्हें मैं डीप रोस्ट करूँगी फिर फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मुझे मीट बॉल पहले फ्राई करने थे और फिर मुझे इन्हें फ्रीज़ करना था, तो फ्राई करके इन्हें कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है मैंने। और अब इसे मैं रख दूँगी बैग में डाल के और फ्रीज़ कर लूँगी। और जब भी मुझे कोफ्ता करी बनानी होगी झटपट, उसकी पहले मैं मसाला तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं इन्हें डाल के यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं, ये देखिए मैंने फ्रीजर से इन्हें निकाला है क्योंकि नेक्स्ट डे का ये मैं क्लिपिंग डाल रही हूँ और मुझे इन्हें फ्राई करना था, तो मैंने पहले इन्हें निकाल लिया था, डीप फ्रॉस्ट कर लिया था अच्छे से और फिर इन्हें मैंने फ्राई कर लिया था। बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल में नहीं करना है, हल्का सा ऑयल डाल के 1 से 2 चम्मच, और आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा क्रिस्पी होने तक। और दोस्तों यहाँ पर मैं कोफ्ता करी की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया है एज़ यूजुअल, जैसे भुना जाता है कोफ्ता बनाने के लिए। बिल्कुल रेडी कर लिया मसाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो कि गर्म होगा पानी डाल के, और इसे एक बॉईल आने के बाद जितने भी मैंने फ्राई किए थे कोफ्ते वो इसमें डाल देंगे। और लो फ्लेम पर इसे ढक्कर छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में आपकी एक मज़ेदार सी डिश रेडी हो जाएगी। और शाम का टाइम हो रहा था, सनसेट हो रहा था, तो मैं छत पर गई और मैंने ये व्यू कैचअप किया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, तो मैं थोड़ा वॉक करने चली गई थी छत पर। और ये क्लिपिंग है सहरी की, तो सहरी में मैंने बनाया था पराठा और कीमा बीन्स थी, दूसरे दिन की सहरी है, और साथ में बना दी थी लस्सी। तो मध्य को मैंने पराठा कीमा बीन्स और थोड़ी सी लस्सी दे दी थी, और हस्बैंड जी को भी लस्सी दी थी, लेकिन मैंने लस्सी नहीं ली थी सहरी में क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया था पराठा और कीमा बीन्स, तो लस्सी मैंने अवॉइड करी थी। और यहाँ पर मैं एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो है पोटैटो बाइट्स। यहाँ पर पहले हमने आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसे छलनी की मदद से बारीक छान लिया था, मतलब मैश कर लिया था, बहुत बारीक मैश होना चाहिए, महीन। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, या 3 या 4 छोटे मीडियम साइज़ के ले सकते हैं, उन्हें बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था। फिर इसमें डाला है मैंने 3 चम्मच भर के बड़े साइज़ के टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें डालेंगे काली मिर्च हसबे जायका, और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिएगा। इसमें डालेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून भर के, और गार्लिक पाउडर अगर हो तो डाल दीजिएगा, अन्ना पेस्ट भी डाल सकते हैं आप 1/2 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स भी डाले थे मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से, अगर तीखा पसंद ना करते हो तो अवॉइड कीजिएगा। और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक ग्लास में लगा दिया है पाइपिंग बैग, जिससे हम ये फ्रॉस्टिंग वगैरह करते हैं केक की, और उसमें ये हमने मिक्सर डाल के, और पहले ऑयल गरम कर लेगा हाई फ्लेम पर, और फिर इसकी छोटी सी निप काट के, जितना भी आपको पोटैटो बाइट्स जितना भी चौड़ा बड़ा चाहिए उस हिसाब से कट करके, और डायरेक्ट आप पहले सीजर को हल्का सा ऑयल में डिप करिएगा, और ताकि वो इजीली कट जाए, और ऊपर से प्रेस करते हुए इस तरह जिस तरह मैं वीडियो में काट रही हूँ आप काट सकते हैं। लंबाई देख लीजिएगा, जितना भी आपको लंबाई या छोटा चाहिए आप उस हिसाब से कट कीजिएगा, और बीच बीच में आप जो सीजर है जिससे आप कटिंग कर रहे हैं ऑयल में डिप करते रहेगा तो इजीली कटेगा। और इसे हाई फ्लेम पर रखिएगा 1 मिनट के लिए, फिर मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिएगा, और सारा ऑयल निकाल के छलनी की मदद से, और आप इसको टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल भी निकल जाए, और फिर ये रेडी है खाने के लिए। जो बच गया था मिक्सचर उसको भी मैंने इस तरह पाइपिंग बैग में डाल के और
उसको फिर मैंने कट करके प्लेट में डाला था जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और उसे फ्रीज़ कर लिया था ताकि मैं कल बच्चों को फ्राई करके दे सकूँ। तो ये भी मेक एंड फ्रीज़ आइटम समझ लीजिए। इस तरह आप सीज़र को पहले ऑयल में डिप कर लीजिएगा हल्का सा, और फिर कट करिएगा तो बहुत इजीली कट होगा। और प्लेट में रख कर पहले आप फ्रीज़ कर लीजिएगा, ये थोड़े से हार्ड हो जाए सेट हो जाए, फिर इसे ज़िपलॉक बैग में डाल के इसे फ्रीज़ कर लीजिएगा। और जब भी आपको चाहिए हो पहले इसे डिफ्रॉस्ट करिएगा, आधा घंटा पहले ही निकालिएगा किचन में और फिर इसे डीप फ्राई कीजिएगा। पहले एक मिनट तो हाई फ्लेम रखिएगा, फिर मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बस यहीं तक का था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून।